2024 आप लोगों के लिए बम्पर ईयर रहने वाला है। रीजन सबको पता है, इस साल होने वाले हैं इलेक्शन, तो वैकेंसी जो है वो आप लोगों को भरपूर मात्रा में मिलेगी। इसी कड़ी के अंदर में एक नोटिफिकेशन अभी इशू कर दिया गया है यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा, कि ईपीएफओ के लिए वो वैकेंसी निकाल रहा है और जो वैकेंसी है वो है 323। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी निकालता है, तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये वैकेंसी भी है आप लोग के लिए ऑल इंडिया लेवल की। सर क्या ये वही वाली वैकेंसी है जो नॉर्मली असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एओईओ वाली आती है? नहीं, ये वो वाली वैकेंसी नहीं है, ये है दूसरी वैकेंसी। पर लेकिन अगर आप लोग इसका सिलेबस देखोगे, जो पुराने एग्जाम इस पर्टिकुलर पैटर्न पर अभी ईपीएफओ ने कंडक्ट कराए हैं, वो बहुत ही एक ऐसा एग्जाम है कि आप लोग बिना कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किए हुए इस जॉब को अपने हाथ में ले सकते हो। सिलेबस देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अंदर में आप लोगों के जनरल एप्टीट्यूड 30 नंबर, जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस 30 नंबर, नंबर नहीं क्वेश्चन, नंबर तो 60 रहेंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 30 क्वेश्चन, 60 नंबर। इसी के साथ में जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन, ये 100 नंबर। कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन, 20 नंबर। टोटल मिला के आप लोगों के सामने हो गए यहाँ पर 150 क्वेश्चन और 300 नंबर के। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप लोग नॉर्मली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है? वही सारा का सारा सिलेबस है जो नॉर्मल आप लोगों को पेपर में देखने को मिलता है, उसी पेपर को आप लोग फॉलो करते करते, उसी सिलेबस को फॉलो करते करते ये एग्जाम आप लोग अपने हाथ में ले सकते हैं। आखिर इसके बारे में हमको कहां से पता चला क्या इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। खुद यहां पर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है यहां पर, ये एक तरीके का इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट होता है, ये बताने के लिए कि ऐसा हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। जैसे नहीं एसएलबी के एप्लीकेशन पर मैं बताने लगू कि कल को चलकर ये क्लासेस चलने वाली है, तो ये क्या हो गया, अभी चली नहीं है, चलने वाली है, तो ये इंडिकेट कर दिया कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसी तरीके का एक इंडिकेटिव एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट, जो कि आप लोगों के सामने यहां पर सारी इंफॉर्मेशन बताता है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं एक एक कर कर, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इंसान को अगर जॉब मिलती है तो पूरा परिवार संवर जाता है, तो अगर सीरियस होकर जॉब लेना चाहोगे तो वैकेंसी बहुत आएंगी आगे आने वाले टाइम में भी, बस आप लोगों को फाउंडेशन तैयार करना है। ऑल इंडिया लेवल का ये आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर ऑल इंडिया लेवल पर ही आप लोगों को सर्व भी करना होता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और ये आप लोगों को पता होगा जिस एग्जाम को भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है वो एक रेप्यूटेड जॉब की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सोसाइटी में एक अच्छी खासी इज्जत मिलती है उस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर। इसको पोस्ट को जो बोला गया इसका नाम है पर्सनल असिस्टेंट, तो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए की पोस्ट है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं आप लोगों से आगे। टोटल मिलाकर 323 पोस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, और ये जो 323 पोस्ट है इनका डिविजन कैसे है अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। टोटल पोस्ट इन्होंने बोली है 323, जिसमें से 132 है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगी। ये शेड्यूल कास्ट के लिए आप लोगों को 48, शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोगों के लिए 24, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 87 है। इसी के साथ में वीकली जो यहां पर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्ट जो है वो यहां पर रिजर्व रखी गई है। तो ये पर्टिकुलर जब आप लोग इनको ऐड करोगे तो पूरा का पूरा कोटा आप लोगों का 323 पोस्ट का तैयार हो जाएगा। आप लोगों को वैसे एक ही पोस्ट चाहिए 323, वो वहां ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, अपनी एक पोस्ट की तैयारी करनी है। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन देखने को मिलेगा, इन्होंने बता दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर ये 7 मार्च से आप लोगों का स्टार्ट होगा, यानी कि अभी फॉर्म जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है, अभी जस्ट एक छोटा नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसके बेसिस पर यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। इसमें ये मेंशन किया है इन्होंने बकायदा कि 7 मार्च से स्टार्ट करेंगे और ये 27 मार्च तक आप लोगों का देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, शाम को 6 बजे तक का, यानी कि ये नोटिफिकेशन आप लोगों का 27 मार्च तक रहने वाला है। एग्जाम की डेट कोई अनाउंस नहीं की गई है, सारी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, upsc.gov.in पर मिलेगी, तो ये तो आप लोग बोल सकते हैं। आप में से किस किसने रिसेंटली अभी यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज वाला फॉर्म है वो भरा है आप लोग बताइए। अगर आप लोगों ने वो फॉर्म भरा है तो आप लोगों ने ओटीआर जरूर भरा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी फॉर्म भरने का प्रोसीजर कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को upsc.gov.in आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा और वहां पर ओटीआर का रजिस्ट्रेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
एक बार बता दूं, जब नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आप लोग ज्यादा हफरा तफरी मत करिएगा, क्योंकि अब की बार यूपीएससी में बहुत सारी गलती बच्चों के द्वारा की गई, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में फोटो को लेकर कुछ नए चेंजेस किए थे, जिसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। आप लोगों को बस इतना करना है कि अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें जो है बेसिकली, जो आप लोग खासकर ईमेल आईडी अपनी रखिए, अपना कोई अकाउंट, अपनी फोटो वोटो तैयार रखना, ताकि जब फॉर्म निकले तो आप लोग उसको अपलोड कर सको। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग ऑलरेडी जैसे ओटीआर भर रखा है तो लॉग इन करना है ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू, आप लोगों को वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी, और उसमें फिर आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके लिंक पर जाकर आप लोगों को क्लिक करना है, और जो भी नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आप लोगों से मांगेंगे, जैसे नॉर्मल फॉर्म भरते हो, फिर एंड में जाके फी पेमेंट और सबमिट फॉर्म आप लोगों का हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो उसका एक नोटिफिकेशन आप लोग की जीमेल आईडी पर भी जाता है, तो चेक कर लिया करो कि नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है, उससे कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जस्ट ओनली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास में, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एज के बारे में बात करें, कई सारे बच्चे इसको लेकर सोच रहे होंगे सर एज तो बताए नहीं, 18 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग 3 साल और आप लोगों को छूट मिल जाती है, यानी कि 33 एज। अगर एससी एसटी में आप लोग आते हैं तो 5 साल एज मिल जाती है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो 10 साल और मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, कई सारे बच्चे जो है यहां पर इसको लेकर बेसिकली डाउट में रहते हैं, सर हम स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो क्या हम लोग स्टेट वाला सर्टिफिकेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर में ओबीसी के लिए? ये नहीं हो सकता है, ये सेंटर के जो ओबीसी में आते हैं वो सेंटर के ही रहेंगे। ठीक है, स्टेट के स्टेट में कई सारे, जैसे कि आप लोग कई सारी कम्युनिटी है स्टेट में ओबीसी में आते हैं, पर लेकिन सेंटर में ओबीसी में नहीं रहेंगे, उसके लिए सेंटर का सर्टिफिकेशन आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आप लोग का है वो आप लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, सीएसआईआर का फॉर्म आया था, कई सारे बच्चों ने मेल किया कि सर इसके लिए कोर्स लेकर आइए, कोर्स लेकर आइए। हर चीज के पीछे कोर्स के पीछे मत पड़ा करो, ठीक है? आप लोग हर चीज के पीछे कोर्स के पीछे पढ़ते हो, अगर ऑलरेडी आप लोग तैयारी करो। कोर्स किसके लिए होता है? कोर्स होता है नए बच्चों के लिए, जिन्होंने अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं की उनको तो ठीक है कोर्स ले लो यार, पर जो ऑलरेडी आप लोग अगर यूपीएससी के कोर्स में इनरोल हो या फिर आप लोग ऑलरेडी दूसरे कोर्स ले चुके हो, तो वही तो फाउंडेशन है, बस प्रैक्टिस करनी है। आप लोग बोलोगे तो इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी, टेस्ट सीरीज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, उसके हिसाब से चीजें आप लोग देख सकते हैं। पर कोर्स जो है, अगर ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तो यहां पर आप लोगों के लिए नहीं है, अगर कोई नया बच्चा होगा उसके लिए क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी एप्लीकेशन पर भी, और यहां पर बेसिकली वेबसाइट पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो 7 तारीख से फॉर्म आएगा, तो क्लासेस जो है वो 10 या फिर 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 11 तारीख से, 11 तारीख का मंडे है, तो उसके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। पर लेकिन जो ऑलरेडी आप लोग अगर किसी कोर्स का पार्ट हो, वही सारी चीजें बार बार कोर्स के पीछे मत भागा करो, बस प्रैक्टिस करनी है सारी चीजें। जो कोई नया बच्चा है जिसको लग रहा है कि नहीं यार मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तो कोर्स लेना है, मेरा फाउंडेशन भी तैयार नहीं है, तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए जो लिंक है वो वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, टेस्ट सीरीज सबके लिए फायदेमंद रहती है, क्योंकि वो तो एक तरीके प्रैक्टिस सेशन हो जाता है, और बहुत ही मोस्ट अफोर्डेबल वे में आप लोगों को सारी चीज देखने को मिलेगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी उसको लेकर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं उसके ऊपर में वीडियो लेकर आऊंगा, 7 तारीख को फुल नोटिफिकेशन के ऊपर में वीडियो लेकर आएंगे, ताकि सारी बातें एक एक आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर रखना, इतना बड़ा कोर्स है नहीं, अगर थोड़ा सा भी टाइम देकर इसको करोगे तो एक जॉब आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। बस हाँ, इसमें एक टाइपिंग वाला एरिया भी है जो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, तब तक अपना ध्यान रखिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए 4.9 रेटिंग के साथ में, अपना प्यार बनाए रखिए और आगे दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, फ्री बहुत सारी चीजें यहाँ पर, क्विज हैं, टेस्ट हैं वीकली, आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कौन कौन फॉर्म को भरने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।